What's up guys, तो आज मैं आ चुका हूँ आर्मी ट्रेनिंग के लिए। मैं वो सारी चीजें सीखने वाला हूँ जो एक कमांडो को हर सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए सिखाई जाती है। तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ ऑब्स्टेकल कोर्स। इसमें मुझे एक कमांडो की तरह मिट्टी में रेंगना है, जिप लाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक रोप पे क्लाइंब करना सीखना है। एक कमांडो ये सारी चीजें करता है तो मुझे भी सीखनी है। इसके बाद मैं करने वाला हूँ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, और सबसे लास्ट में मैं जाने वाला हूँ इन घने जंगलों में जंगल सर्वाइवल के लिए, जिस जंगल में बहुत सारे स्नेक्स हैं, लेपर्ड्स हैं और भी पता नहीं कौन कौन से जानवर हैं। तो थोड़ी सी फट तो रही है बट मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि हम लोग दिन नहीं रात के टाइम पे जाएंगे फुल अंधेरे में भाई। तो ये ट्रेनिंग लेने के लिए मैं आया हूँ अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर लोनावला के ब्यूटीफुल माउंटेन्स पे। ये ट्रेनिंग एकेडमी इस माउंटेन्स के एकदम टॉप पे लोकेटेड है, जहाँ पे आने के लिए पहले हमने एक बहुत लंबा ऑफ रोड रास्ता क्रॉस करा। ऑफ रोडिंग करने के बाद हम लोग पहुंचे एक लेक पे, और वहां से हमने पकड़ी बोट, और उस बोट के थ्रू इस बड़ी सी लेक को पार करके हम लोग पहुंच गए जंगलों के बीच में जहाँ पे एकेडमी है डेटा। यही है वो जगह जहाँ पर मेरी ट्रेनिंग होने वाली है, और मुझे ट्रेन करेंगे अपनी इंडियन आर्मी के प्रोफेशनल एक्स कमांडोज जिन्हें 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे पहुंचे बहुत जोरों शोरों से बारिश शुरू हो गई, बट उसके बाद भी मस्त वेलकम हुआ और लाइट अप करके हम लोग चले गए ब्रीफिंग के लिए। तो आज बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए ब्रीफिंग के बाद हम लोग चले गए सोने के लिए, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है ट्रेनिंग के लिए। तो ये है वो ब्यूटीफुल लोकेशन जहाँ पे कल मुझे कमांडो ट्रेन। यह ऑब्स्टिकल कोर्स सेना में कमांडोज का बॉडी स्ट्रेंथ और स्टैमिना बनाने के लिए किया जाता है। अभी इस 1 से 1.5 घंटे के ट्रेनिंग के दौरान मैं आपका कोई बॉडी स्ट्रेंथ या स्टैमिना नहीं बना सकता, ठीक है, लेकिन आपको इस काबिल बना सकता हूँ कि किसी भी नेचुरल कैलमिटीज में अगर आप फंसते तो आप अपना बचाव कर। यहाँ से सीखने के बाद मैं काफी चीजों से बच पाऊंगा। जी जी 100%। शुरू करने से पहले आप में सोल्जर की तरह जोश होना चाहिए। कमांडोज, हाउ इज द जोश? हाय सर, भारत माता की जय। भारत माता की जय। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ऑब्स्टेकल कोर्स ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले ना वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि पूरी बॉडी खुल जाए। 1, 2, 3 अप, मूव, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, दोनों हाथ एक जगह पर, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। सोल्जर्स आर नॉट बॉर्न बट दे आर मेड, उन्हें बनाया जाता है। कैसे? भारत माता की जय। हाउ इज द जोश? हाय सर, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। हाथ लाल हो गए पर मजा बहुत आ रहा है, ट्रेनिंग में अलग मजा है भाई। जब तक आप अपनी मदद करना नहीं जानते हैं, भगवान भी आपको मदद नहीं करे, तो इसलिए आपका ग्रिपिंग लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मूव कमांडो। भारत माता की जय। ट्रेनिंग के बाद भाई चीजें आसान लगने लगती है। कमांडो मूव। अब यार देखो, तुम्हारे भाई ने ना पहले पार्कोर स्किल्स थोड़ी लर्न कर रखी है, मतलब वॉल पे क्लाइंब करना, थोड़ी लॉन्ग जंप मार के प्रॉपर लैंडिंग करना सब कुछ, बट अभी हम लोग कर रहे हैं कमांडो ट्रेनिंग, तो अब जाएंगे थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे। बिल्डिंग के अंदर अगर आग लग जाती और आप सीढ़ियों के द्वारा नीचे नहीं जा सकते, तो पैनिक होकर आपको ऊपर से नीचे जंप करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कबोर्ड में साड़ियां है, बेडशीट है, कर्टन, गैलरी में किसी स्ट्रांग पोल से उसको बांधिए। अपर बॉडी से जब आपके हाथों में ग्रिपिंग आ जाएगा, देन आपकी लोअर बॉडी मूविंग के लिए रेडी है। 1, 2, 3 ये इस तरह से वेट लिया, एंड देन ये इस तरह से पैर को लॉक करना है। 1, 2, 3 अप। यस, वाओ, वेरी गुड। सोल्जर्स आर नॉट बॉर्न बट दे आर मेड, वेरी गुड। वाओ सर, गो डाउन, नेवर गिव अप। गाइज अभी थोड़ा सा ब्रेक मिला है, काफी सारी चीजें तो मैंने ऐसी करी जो मेरे को लगता भी नहीं था कि मैं कर सकता हूँ, स्पेशली वो जो मैं रस्सी पे चढ़ा हूँ ना, मुझे नहीं पता चढ़ सकता हूँ। बाकी हाँ, कट्स आना शुरू हो गए हाथ पे, तो इन सब की आदत होती है भाई सोल्जर्स को, हमें नहीं है बट लग जाएगी। यार देखो, आपने फ्री फायर में जिप लाइन तो देखा होगा कि कैसे हम लोग एक हैंडल पकड़ के वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आज उसकी भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा डरावना था बस।
सामने से दुश्मन का फायर आ रहा है कमांडो, फिर नीचे पैरों का मूविंग, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन सेम कमांडो। पैर सीधा कमांडो, जंप। स्टार्टिंग में कुछ चीजें थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, बट ट्रेनिंग करते करते सब कुछ इजी लगने लगा। Never give up, never give up. हाथों में ग्रिपिंग, पैरों पर बॉडी का वेट। Very good. पातों से पैर को नीचे लाओ। Very good. दूसरा पैर नीचे लाओ। Mind body coordination. Chapter 1, 2, 3. Commandos ready? Ready. 1, 2, 3. Commando! Commando! Commando ready? Yes, sir. Commando, move! Move! Bada! Kumataki! Yes! Hold the charge! Yes, sir! Hold the charge! Yes, sir! No, you are. तो अभी मैं करने जा रहा हूँ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, जिसमें मैं सर बताएंगे कि हर टाइप की अटैकिंग सिचुएशन से मुझे कैसे बाहर निकलना है और कैसे सर्वाइव करना है। जय हिंद। जय हिंद। कैसे अटैक हो सकते हैं अचानक से? आप खाली चल रहे हो, अचानक से क्या अटैक हो सकता है? मैक्सिमम टाइम नॉर्मली रोड पे पीछे से अटैक होते हैं। मैं किडनैप करके ले जा रहा हूं, तो अभी इसमें क्या करना? अब इसके लिए क्या कर सकता हूं? मैं आपका पकड़ो, सॉल्यूशन क्या हो गया? लड़ाई हो जाएगी। वो किस लिए? ये हाथ क्यों इस्तेमाल किया? जैसे आप चल रहे हो अगर ये स्टिक प्लास्टिक की होगी और ये अगर होता है लोहे का रॉड हो तो आपका हाथ रहेगा? नहीं। देन हिट, अटैक करके देन टच। बॉडी को हमेशा स्ट्रेट रख, ये हिट, ये ग्रिप और ये हिट, क्योंकि गन है अभी टाइम नहीं हमारे पास। यस, बहुत बड़ा, यही से टर्न। तो आधे घंटे तक डिफेंसिंग प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये चीज तो क्लियर होगी कि भाई डिफेंस करने के लिए बंदे का पावरफुल होना जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट है टेक्निक्स, जो कि मैंने सारी लर्न कर ली और उस टाइम पे मैं सीख गया सारे टाइप की डिफेंसिंग। ग्रेनेड, यस, बहुत बढ़िया। एक कमांडो को हर जगह सर्वाइव करना आना चाहिए, इसीलिए अभी हम लोग जाने वाले हैं इस आर्मी बेस से बाहर इन घने जंगलों के बीच में नाइट सर्वाइव करने के लिए। देखो शाम के 6:30 बज चुके हैं, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है, बहुत घने जंगल है, यहाँ पे जानवर भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे खतरनाक चीजें भी हो सकती है, हमें खाना पीना भी वहीं पे, खुद ही आग जलाने, खुद ही खाना पकाना है, बहुत कुछ है, टाइम नहीं, जल्दी से मैं जा रहा हूँ, बाय। बहुत अंधेरा है, पूरा डार्क हो चुका है भाई जंगल पर, लेट्स सी क्या होता है। हाय सर, हाय सर, हाय सर, भाई चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा है, अगर ये हल्की सी कैमरा लाइट ना होना तो लिटरली पूरा एरिया ब्लैक है और बस अंदाजे से चल रहे हैं ये स्टिक का यूज करके। भाई ये बिल्कुल ग्रास में मर जो रखा है। मैं जा रहा हूँ भाई, थोड़ा आराम आराम से सर के साथ चलते हैं जल्दी जल्दी। अभी तक तो थोड़ा सा ओपन था, बट अभी मोर डीप जंगल में जा रहे हैं, अभी पानी कीचड़ सब शुरू हो गया भाई। मतलब तीन शॉट, तीन लॉन्ग, तीन शॉट, एस ओ एस, गॉट इट? गॉट इट। सो नाउ यू हैव टू मेक द एसओएस विद द हेल्प ऑफ दिस विजन, राइट? तीन शॉट, तीन शॉट, कंटिन्यू। Super. You got it? Got it. तो इस टाइप का आप जो है जिस सिग्नलिंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। To find these constellations, blindly you believe that these constellations always in the north dash. तो जंगल सर्वाइवल में किसी भी सिचुएशन में डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं वो सीखा। Pack up and start marching. आगे चलते हैं। अपनी हेल्प के लिए सिग्नल्स कैसे भेज सकते हैं वो सीखा। So one of the leopard comes in front of you. How? What will you do? But अब बारी थी कुछ खतरनाक चीजें सीखने की। अगर पीछे से आ रहा है, गुप, यहाँ पीछे से, सामने से अटैक, गुप, पीछे से, गुप, यहाँ गर्दन के पास लगा कर, ठीक है? भाई अभी इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है ना, अगर अभी आ गया एक लेपर्ड, तुम्हारा भाई अकेला मारेगा, अकेला। I told you these are the oldest mountains and lava mountains. Lava already activate हो चुका है। ओह, जो वॉल्केनो थे वो।
वॉल्केनो जब उसके अंदर जब फॉर्म हो रहा था तो इट्स क्रिएटेड सम उसके अंदर जो प्रेशर के कारण से हवा उसके अंदर भरा। यू कैन ऑल्सो ड्रिंक ऐसे ऐसे बड़े बड़े पॉट होल लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। जंगल जानवर जो है ये पानी पी के आप जो है आराम से वहाँ पे सस्टेन कर इट। अपनी हेल्प करना तो सीख गए पर अब बारी थी दूसरों की हेल्प करने की क्योंकि अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकते ना भाई। तो कमांडोस में ये सिखाते कि हमेशा आप अपनी बड्डी को कभी डोंट लीव बिहाइंड एनीथिंग, तो अपने साथ में लेकर चलो। फायरमैन लिफ्ट अप। बहुत बढ़िया, ये जो कैप निकाल लीजिए ताकि आप जो है अच्छे से और ठीक है। 1 2 3 अप। बहुत बढ़िया, सही तरीका ऐसे जस्ट के पास आगे से ऐसे लॉक करेंगे। ठीक है, क्या आप चल सकते हो? यू कैन मूव आराम से। यस, के बाद कौन सी कैरी? कैमल कैरी। कैमल कैरी नीचे बैठिए। हां ये थोड़ा रिस्की है, बाल पकड़ के मत खींचना। ठीक है, यस लॉक करिए। लॉक सही तरीका दिखाइए पीछे इस टाइप। कौन सी कैरी है? कैमल कैरी। लेफ्ट हैंड को ऊपर, राइट हैंड रखिए। हां सामने वाला एल्बोस को पकड़िए। अब बहुत बढ़िया, बहुत लाइन। उसके बाद चेन कैरी। चेन कैरी 1 2 3 अप। बैठ जाइए। नेवर गिव अप। टी शर्ट ने आपने जो पहन के रखा उस टी शर्ट को आपने दोनों हाथ से दोनों सिक्का आपने पकड़ रखा उस टी शर्ट की। टी शर्ट दूसरा टी शर्ट आ गया, दूसरा टी शर्ट। ठंडी नहीं लग रहा, हम तो डेमो दिखाने के लिए अब ऐसे yes. तो चलिए एक कमांडो आ जाओ यहाँ पे, ले जाइए। चलो आप भी लग जाइए। यस क्विकली वी टेक द। तो भी इतना मुझे मालूम पड़ चुका है कि अगर हम जंगल में खो जाते हैं और हमें हेल्प चाहिए तो दूसरों को सिग्नल कैसे भेजने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आग जलाना या फिर स्मोक करना। पर उसके लिए अभी सीखना है जंगल में आग जलाई कैसे जाती है बिना किसी चीज के। तो लाइट अप करना सीखेंगे इन रो आइटम से। अब भाई हर टाइप का सर्वाइवल, हर टाइप की ट्रेनिंग हो गई है, पर खाना पीना भी तो होता है भाई जिंदा रहने के लिए। तो देखते हैं कैसे आग जलाते, कैसे खाना खाते हैं। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपने बहुत अच्छे भाई दोस्त को बचाने के तरीके भी पता कर लिए, सब पता चल गया। पर अभी देखना है भाई भूख लगेगी तो खाना कैसे बना के खा सकते हैं जंगल में, शायद से अभी वो सीखने वाले। ऑमलेट बनाने वाले क्या? नहीं सर, बुर्जी बनेगी। यू कांट मेक ऑमलेट हियर बिकॉज यू डोंट गेट द ऑयल हियर इन द जंगल, सो ऑन द स्टोन। ये तो बहुत गर्म होगा, मुर्गी का ही था ना। पहले मुझे लग रहा था कि बहुत ही खराब टेस्ट आने वाला है, बट अभी दिस देखिए, देखिए दिस द लाइव क्रैब। अरे पकड़ गॉट इट। दिस इज द लाइव क्रैब। रेडी स्टैंड बाय, स्टैंड बाय, गो। It's just like a chips for commandos. Commandos, how's the Josh? Never give up. Any volunteer? Never give up. Commandos, how's the Josh? Hi, sir. Team, never give up. तो चलो गाइस आज के साली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। मेरा बहुत टाइम से मन था इस टाइप की कमांडो ट्रेनिंग करने का, जो कि फाइनली मैंने कर ली। अगर आप लोग का भी मन है तो नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताना। बाकी हाँ, चैनल पर जो भी लोग भी न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, ये देखो मैं भी वही कह रहा हूँ, कर ही नहीं रहे लोग। कर दे, वो भी कह रहा है भाई कर दो जल्दी से आगे सब्सक्राइब। बाकी लाइक गोल कह रहा है जितना मर्जी रख दो। तो चलो 5 लाख लाइक, तो जल्दी से जाओ लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट चैलेंज मुझे बता दो मुझे क्या करना है। तुम्हारा भाई ऑलवेज रेडी है, लेट्स गो।